सो इस टाइम ने मेरे नाल वीडियो डायरेक्टर बॉबी बाजवा जी गल बात कर लेने उन्हां दे नाल। सत श्रीकाल जी। सो सब तो पहला गाने दे बारे गल कर लेने आ, इहदी वीडियो कीवें प्लान कीती, कीवें दी वीडियो जिहड़ी आ ऑडियंस नूं देखण नूं मिलेगी जी? सुरेंद्र शिंदा जी दा जिहड़ा सोंग, क्योंकि ऑलरेडी पहला बहुत सुपर डुपर हिट सोंग सी, नवां लै लिया ट्रक तेरे यार ने, बाबिआं ने चल चली, मैनूं पट्टी पड़ी वाला साहब जो मेरे गुरु भी ने, उन्हां दी कॉल आई कि आपां इक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं इदा ड्यूट, तो सुरेंद्र शिंदा जी का, तो मैं क्या गुड, मैं अच्छा लग्या, तो कहिंदे फिर आपां तू आ जा गाना सुनीए, आपां देखदे आं की करना इहदा। गाना सुनिया फिर थोड़ी टेंशन भी क्रिएट होंदी है, क्योंकि बहुत बिग सोंग ऑलरेडी कंपीट करना ऑडियंस तक, फिर क्योंकि बहुत वड्डा गाना सीगा, बड़े सालों तो चल रहा, अज भी लोग सुनते हैं ट्रकों च, हर जगह डीजे च वजदा सोंग। तो पट्टी साहब ना मेरा बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है, असं 17-18 साल तो, क्योंकि उन्हें मैंने एज ए डायरैक्टर लॉन्च किया फील्ड च, तो फिर असं उत्ते वर्क करना शुरू किया मैं पट्टी साहब ने, फिर वह प्लैन किया प्रॉपरली वीडियो का, कितने शूट करना किदा करना, फिर आर्टिस्ट की गलबात चली, फिर साडा दोनों डिस्कस किया कि राखी हुंदल मैडम, क्योंकि बहुत फाइन एक्ट्रेस ने, बहुत अच्छे एक्टर ने, जिन्हें वधिया सिंगर ने उन्ने वधिया एक्टर भी ने, तो फिर उन्होंने गलबात हुई, क्योंकि मैं ऑलरेडी राखी हुंदल जी ने असं पहला भी काम कर चुके हैं इकट्ठे काफ़ी, तो उतों फिर शुरू होया, फिर साड़ी फिल्माया उन्होंने असी लॉकडाउन तो पहला लागे पिंड, और फिर उन्होंने तैयार किया लॉकडाउन के अंदर, हूँ थोड़े रूबरू अपना ऑडियंस के रूबरू किया। सो बॉबी जी, वो पहला वीडियो सी, वो तो एक वीडियो कितनी की डिफरेंट होएगी, ये की अलग होएगा? नहीं, वो क्योंकि पहला तो बहुत पुराना किस फिल्म का सॉन्ग सी, तो ट्रैक भी सी, भी नज़र आ रही चीज़ उस की अलग की नज़र होएगा? उदो वीडियो का दौर नहीं सी जो ये गाने आए पहला ना, वीडियो तो बहुत लेट शुरू होए, जाके साडा जो ट्रैक वीडियो एल्बम्स आनिया शुरू हुई हैं, तो ये थोड़ा जहा अजक का ध्यान रख के भी असी, क्योंकि हम अज के दौर चाह की टैक्नोलॉजी चाहिए भी थोड़ा जहा लोगों अट्रैक्ट भी करे सोंग, तो वो फील भी कायम रहे, जो पेंडू या जो ट्रक की फील है साड़ी, जो साडा कल्चर है, तो उन्होंने मद्देनज़र रख के सारी चीज़ा फिर असी मिक्स करके तो अपना ऑडियंस के रूबरू किया, बाकी हूँ बाकी सारा थोड़े तो मीडिया से और बाकी ऑडियंस से है, तो कि लाइक करते कि प्यार देंगे। सो जिस तरीके दे नाल तुसी हना वीडियो नू डायरैक्ट किया सुरेंद्र शिंदा जी, जो कि थम ने साडी इंडस्ट्री दे, उन्हां दे किसे सोंग नू डायरैक्ट करना, उन्हां दे ओह वी सोंग जिहड़ा कि पहला इन्ना हिट हो चुका है, की माइंड विच चल रहा सी, नर्वस सी, एक्साइटेड सी, किवें सी? नहीं, नर्वसनैस दा तां कोई नहीं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पंजाब दे जिन्ने भी साडे सिंगर कम करदे आ, असीं अच्छे अच्छे एक्टरां नाल, अच्छे सिंगर्स नाल बहुत कम कर चुके हैं, नर्वसनैस नहीं, लेकिन एक जरूर हुंदा है कि तुसी एक बड़ी को लेजेंडरी साड़ी सैलीब्रिटी है ना, शख्सियत ने पंजाब दे इन्ने वड्डे सिंगर जिन्हें कई दहाके राज कीता साड़ी पंजाबी इंडस्ट्री, तो हुण भी वो बिल्कुल फिट ने और पूरा काम कर रहे ने फील्ड च, तो उत्थे टेंशन जरूर रहिंदी है कि एक बड़े अपने तो बहुत सीनियर एक्टर नाल, बहुत अच्छे एक्टर नाल, बहुत अच्छे सिंगर नाल, है ना, बड़े टैलेंटड बंदे नाल काम करना थोड़ा बहुत हुंदा, लेकिन वो बड़ा कंफर्टेबल सी, असी मैं तो शिंदा जी साड़ियां मीटिंग्स हुंदी रही, फोन पर भी गल हुंदी रही, तो सब्जेक्ट डिस्कस करते रहे, तो इदा का कुछ नहीं, बड़ा वधिया माहौल से जो शूट किया, कॉमेडी की असी सारा दिन इंजॉय किया पूरा शूट, हाँ बिल्कुल, तो पता नहीं लग्या शूट कदों कंप्लीट हो गया, कदों अपने अपने घरों चले गए, तो बड़ा अच्छा, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिले, सीनियर तो थानू सीखने बहुत कुछ मिलता है। सो लॉकडाउन करोना का टाइम चल रहा, गाइडलाइनस जो अलग अलग आ रही ने, किवें किन चीज़ों ध्यान रख के शूट किया? क्योंकि असी लॉकडाउन तो पहला किया शूट, साढ़े जिदन शूट किया एक दो दिन बाद लॉकडाउन हो गया, हाँ उस तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं सी, हूँ असी शूट दोबारा शुरू होए ने, पहला असी भी महीना डेढ़ महीना तो कोई शूट नहीं सी कर रहे, तो सारा कुछ बंद सी, तो हूँ रिलीजिंग दे विच टाइम लगा, फिर टाइम गैप पिया विच जिस तरीके दे नाल सब कुछ बंद सी जी, क्योंकि एक लॉकडाउन सी, शिंदा जी नूं फिर विच अमेरिका जाना पै गया, थोड़ी देर वो अमेरिका जाके आए लॉकडाउन के अंदर दौरान ही वापस आए वो अमेरिका तो, वो थोड़ा टाइम लगे डेढ़ दो महीने का, तो इन्ना टाइम वैसे भी लगता जो तुसी कोई काम कर दे हो चंगे काम लिए थोड़ा टाइम लगता, तो पर मैनू उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा सोंग निकल के आया बाहर, ऑडियो वीडियो और एवरीथिंग, चाहे वो साड़ी एक्ट्रेस है राखी हुंदल जी, उन्होंने तुसी देखोगे बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बा कमाल काम किया उन्होंने, तो लिखनी पट्टी साहब तो है ही ग्रेट साडे राइटर, क्योंकि बहुत उन्होंने अंडर तो मैं बहुत काम किया, और देव थरीके वाला जी जो पहले एक लेजेंड साडे इन्ने वड्डे राइटर ने पंजाबी इंडस्ट्री के, तो मज़ा आया एक बहुत वड्डी टीम नाल काम करके। राखी मैम ने चीज़ कही कि पूरा पंजाबी कल्चर देखने को मिलेगा, जिहड़ी पंजाबीयत की है, विरासत की है, वो चीज़ा पूरियां नज़र आणगियां? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि असी अपना पूरा कल्चर, अपना पेंडू जो साडा सभ्याचार है या जो कल्चर है उन्होंने नाल लैके चले हैं असी, अपना जो साडा स्टाइल लाइफ स्टाइल है पंजाब का पिंड का, और सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ी जिद्दां साडियां
खूबसूरत जट्टी देखने मिलेगी थानू बड़ी प्यारी जी। हाँ बहुत वधिया एक्सप्रैशन मिलने, बहुत सोहनी पंजाबन तुहानू स्क्रीन ते मिलेगी। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ये सन मेरे नाल बॉबी बाजवा जी जिन्होंने कि सोंग नू डायरैक्ट किया है। सोंग का नाम है ट्रक 2021 जो कि अच्छ यानी कि 25 जून हो चुका है रिलीज। तो भी सोंग में देखने तो बाद कमेंट करके दस सकते हो कि तुहानू ये सोंग किवें दा लगा।